नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस कार्यक्रम में हिंदी कविता के शीर्षस्थ हस्ताक्षर या मैं कहूं हिंदी कविता के हिमालय गोपाल दास नीरज स्वयं हमारे साथ हैं। नीरज जी के बारे में मैं सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। नीरज सदियों तक इस मानवता को प्रेरित करते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि नीरज जी हमारे साथ हैं। तो आइए बात करते हैं नीरज जी से। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। नीरज जी लगभग 7 दशक हो गए लोगों के दिलों पर राज करते हुए, इसके पीछे का राज क्या है? पीछे का राज तो मैं जानता नहीं, ये जानता हूँ कि मैंने वो भाषा लिखी है जो कि लोगों के हृदय तक पहुँचती है। न हिंदी है न उर्दू है, प्रेम की भाषा है और इसीलिए शायद सबको पसंद आती हो, क्योंकि प्रेम की भाषा ऐसी भाषा है जो सबको पसंद आई। आप कठिन उर्दू में लिखोगे तो भी नहीं समझ में आएगा जी। तो मैंने वो जबान लिखी है जो कि सबकी समझ में आए, सहज भाषा हो। और कविता में लिखता नहीं हूँ, मुझसे कोई लिखवा देता है और जब लिखवाना बंद कर दिया उसने तो मैंने लिखना बंद कर दिया। तो क्या यही राज हो सकता है? तो दूसरा मेरा पढ़ने का अपना अलग स्टाइल है जी, पढ़ने का भी ढंग अलग। लोग कहते हैं मैं मेरी गले के कारण मैं लोकप्रिय हुआ कुछ जो, लेकिन जिन्होंने मुझे पढ़ा, मेरी किताब पढ़ी, वो कहते नहीं कविता में तो पढ़ने में तो बहुत कुछ खो जाता है। तो जब आप संगीत में पढ़ोगे या गीत में गा के पढ़ोगे तो लोग गाने में लुप्त हो जाते हैं जी, लाइव लोग अर्थ नहीं समझ पाते। लेकिन जब अलग बैठ करके मेरी किताबें पढ़ते हैं तो उसका ज्यादा आनंद आता है। वहाँ शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, शब्द में तो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गान जब आप कविता गा के पढ़ोगे तरन्नुम में पढ़ोगे तो बहुत कुछ तरन्नुम में बह जाता आदमी। मेरे पास तरन्नुम भी अपना नया था, भाषा भी अपनी नई थी, प्रेम की भाषा थी और पढ़ने का ढंग मेरा अपना अलग से है ही, लोगों को प्रभावित करता है। जिससे लोग प्रभावित हुए और लोगों को हृदय में बैठ के कविता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मेरी कविता में दर्शन भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है और प्रेम भी है। तो करुणा सबसे बड़ा तत्व है जो मैंने स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा था कि करुणा जो है सबसे बड़ा दैव भाव मनुष्य के पास। तो प्रेम में तो ये होता है कि आप प्रेम करते हो, चाहते हो दूसरा तुमसे प्रेम करे, करुणा उस पर की जाती है, इससे कोई अपेक्षा नहीं होती। देवी भाव करना है तो मेरी कविता प्रेम से चल के करुणा तक पहुंची। व्यक्तिगत प्रेम को मैंने विश्व प्रेम में परिवर्तित किया। जैसे मैंने कहा, जाति पांत से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान। बहुत खूब, बहुत खूब, इसीलिए लोगों को पसंद आता हूँ। सहज भाषा लिखोगे तो सहज रूप से स्वीकार होगी। और कविता का मर्म यह है मूल्यों की स्थापना, प्रेम करुणा क्षमा दया त्याग उदारता सहजता ईमानदारी, ये सारी कविता के मूल्य हैं। इन मूल्यों पर जो कविता लिखी जाएगी वो हमेशा शाश्वत रहेगी, हमेशा हृदय को छुएगी, क्योंकि ये मूल शाश्वत हैं। एक माँ हिंदू हो या मुसलमान हो, बच्चे की मृत्यु पर उसको भी वही दुख होगा जो सबको होता है। तो क्या है, मूल जो है वो मनुष्य को छूते हैं। एक शराबी है, शराब पीता लेकिन कभी नहीं जाएगा अपने बच्चे को पिलाए, वो कैसा? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या है, मूल्यों की स्थापना कविता का धर्म है। अगर और लोक मंगल यानी कविता जो लोक मंगल के लिए, कल्याण के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो। मैं क्या कहता हूँ, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं न बजा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धन न कुछ स्याही शब्दों का ये गुलाम है, मैं तो कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, उससे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर ठोक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। मेरी ये मानता रही, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, एक नहीं दो नहीं हजारों साथी मेरे प्यार में, मैं उन सब कहूँ कि नहीं कोई जिनका संसार में, ये मेरी मानता रही थी, सबको पसंद आती। नीरज जी आपने लिखा है कि खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की, तो मुझे लगता है कि हिंदी को लाइब्रेरी से निकाल के
लोगों के घरों तक लाने की खिड़की आपने खोली, तो वो जाफरान जो है वो अभी तक महक रहा है। क्या था, आप सबसे पहले ये काम किया था बच्चन जी ने जी। बच्चन जी से पहले कविता छायावादी कविता थी, तो वो आकाशगामी थी, मनुष्य के सामान्य मनुष्य के जीवन के सुख से संबंधित थी, या प्रकृति में लिखी या प्रकृति की थी, या आध्यात्मिक कविता थी, या आकाशीय कविता थी, वायवी कविता थी। बच्चन जी ने पहला काम किया था कि कविता को लाकर के सामने जमीन पर खड़ा कर दिया जी। और मनुष्य के सुख दुख की बात उसने सिखाई, सुख दुख की बात आई, सुख दुख की बात ही करना आज के मनुष्य की बात है। मैं भी मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुंचना चाहता हूं, यही मेरी कविता के धर्म है। क्या है, मानव बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, ये मेरा सूत्र वाक्य है। तो यही तत्व जो है सबको स्वीकार होता है, यही मूल है जीवन के। मैंने कभी पाकिस्तान के बारे में जब कहा, तो पाकिस्तान जब हमको गुस्सा दिखा रहा, तब मैंने कहा था हम दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर के सहन हैं, एक ही लौके दिए हैं, एक ही दिन की किरण है, मंत्र के संग आयतें पढ़ती हमारी तख्तियाँ हैं, और होली ईद आपस में अभिन्न सहेलियाँ हैं, भेद से एक आगे खड़े हम, फर्क से अनजान हैं हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान है। या जिसमें दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, जिसमें दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों में सजाया जाए जी। तो ये मैं हमेशा प्रेम की बात की है, हमेशा विश्व प्रेम की बात की है, इसलिए लोगों को पसंद आता हूँ। नीरज जी, लोकप्रियता और आप, मुझे लग रहा है कि जब से आप मंच पर आए, मैं नहीं कहूंगा अवतरित हुए, तब से लोकप्रियता आपके साथ साथ और उस लगातार बढ़ती रही बढ़ती रही। मैंने कहीं सुना था कि तब आपके दौर में तमाम ऐसी महिलाएं आई जो नीरज के लिए पागलपन की सीमा तक। कारण कारण क्या है कि वो मेरी कविता जो है करवा है उसमें जी। और हृदय स्त्री का हृदय कोमल होता है तो उसको ज्यादा प्रभावित करती है, दुख और पीड़ा की बात जो होती है स्त्री को ज्यादा प्रभावित करती है। ये अधिकांश मेरे ऊपर रिसर्च भी जितनी हुई है अधिकांश लड़कियों ने की है जी। केरल से एक लड़की उदय कुमारी ने रिसर्च की जी। ये मुजफ्फरनगर से एक दीक्षित अरुणा दीक्षित ने रिसर्च की, एक छत्तीसगढ़ से उसने कल्याणी जैन ने की, आंध्र प्रदेश से एक सी वसंता ने की। तो क्या है, स्त्रियों के हृदय को ज्यादा छूती करता कि कोमलता है उसमें, कोमलता है, करुणा है, ममता है, प्यार है। तो स्त्री स्वभाव से कोमल स्त्री उसे ज्यादा पसंदादी करता मेरी। और फिर मेरा गाने का ढंग भी अच्छा था, एक बार शक्ल चूल्हा भी ठीक ठाक थी इसलिए लड़कियों को झूम सकता सर पीछे जी। आज भी होती है पागल के लिए गलियां, कोई जाने क्या बात है। नहीं नीरज जी, मुझे अगर मैं तुलना करूं, हालांकि तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन अगर मैं कोई एक तुलना ढूंढ के लाऊं बहुत मशक्कत करके, तो मैं कहूंगा कि राजेश खन्ना फिल्मों में उनके लिए जो दीवानगी थी हिंदी कविता में, वो नीरज के लिए दीवानगी दिखती थी। नहीं, राजेश खन्ना की दीवानगी भी रही, दीवानगी के लिए भी पागल पागल बन रही जी। तो क्या है, ये होता है भाग की बात ही होती है, ये पिछले जन्म का कर्म हो, कोई पूर्ण भाव का फल है तो आपके पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं जी। फिर बात को क्या होता है कि मेरे गृहचक ऐसा है कि उसमें लिखा ही हुआ था जी, विश्वविख्यात जिस राग ने पीड़ता मदरान रखता लिखा हुआ था। तो क्या है, कुछ भाग का फल भी होता है, पिछले जन्म का पूर्ण फल से पड़े कवि बनना आसान बात नहीं है। कविता में लिखता नहीं, कोई लिखवाता था मुझसे भीतर से, यानी मेरे बचपन में बड़ा दुख बड़ी पीड़ा हो गई है। बचपन में पिता की मृत्यु तो 6 बरस की उम्र में हो गई थी, और उसके बाद से 7 बरस के दूसरे घर पर जाकर पढ़ा, मैं डूबा हुआ के 10 साल अलग रहा, तो माँ से भी अलग रहा, भाइयों से भी अलग रहा, और एकांतवासी हुआ तो आत्मचिंतन करने लगा। उसके साथ साथ बचपन में गरीबी देखी, बड़ी भयानक गरीबी देखी, कभी कभी टांगा चराया, कभी कभी पान बीड़ी भेजे, सिगरेट भेजे, कभी आपके जमना देख पैसे ढूंढे, कभी ट्यूशन की, कभी कोर्ट में टाइप किया, ये सब देखा सर। बचपन से ही कुछ ड्यूटी कॉन्शियसनेस थी मेरे अंदर। फिर मैंने हाई स्कूल पास किया 1942 में, फर्स्ट क्लास 16th पोजीशन, क्योंकि मैंने कही मुझे अपने भाइयों को पढ़ाना, कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, छोटे भाई पढ़ाने थे। फिर
49 में मैंने प्राइवेट नर्मिज किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया। तो कहने का मतलब संघर्ष जो है, तो मैंने मान संघर्ष को बुरी चीज़ नहीं मानता। मनुष्य को ठोकर जो है आगाह करती है, और संसार में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, ये मैंने मानता रही। और श्रम को मैंने कभी छोटा नहीं समझा। आपने लिखा भी है मान और अपमान सब लगे सब दौर हमें पागल पागल के। पागल पागल दौर तो ही आदमी के साथ क्या है, आदमी मुझे अहंकार जो चीज आती जहाँ आती नहीं, मैं तो फकीरों के समान रहता हूँ। आदमी ये तो कैबिनेट मिनिस्टर का मेरा दर्जा है आज भी, चांसलर यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि मेरे कोई अहंकार हो मेरे भीतर। नहीं, मैं सबसे प्रेम की बात करता हूँ। हमारे सर्वेंट वगैरह उनको मैं सर्वेंट नहीं समझता, सहयोगी समझता हूँ। समझे सर, सहयोगी के रूप में ऐसे काम करता हूँ, ये मित्र मत काम कर रहा। तो मेरा ये रहा, हम फकीर हैं, मैं तो मत फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, देखे महल तो महले कितने उनमें ठहरा तो समझा। मैंने गरीबी भी देखी, फिल्म का ग्लैमर भी देखा, लेकिन सत्य क्या था, देखे महल तो महले कितने उनमें ठहरा तो समझा, कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे। बहुत बहुत खूब। आदमी एकांत में देखे सो अकेले, चाहे महल में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, ये चेतना मेरे भीतर रही। इसलिए मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय की बात नहीं की। दूसरी, शब्द की रोटी मैंने खाई है, इसलिए मैं शब्द का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी जिसको वचन दिया है उसको याद रखूंगा, जिसको पैसा उधार दिया उसको याद रखूंगा, जिसे लिया उसको उधार रखूंगा, याद रखूंगा। कभी भी किसी के पास एक पैसा मैंने रोका नहीं किसी का। मेरे पास कभी समय बहुत से लोग आते थे, पैसा भेजा एडवांस नहीं जा पाता, वापस कर दिया, उनकी चिट्ठी आने से पहले वापस कर देता था। तो इस चीज़ शब्द की रोटी जो खाएगा, शब्द की पूजा समझता हूँ। इसलिए मैंने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। तो शब्द, अब जैसे मैं आपको नहीं लिखता थी किसी को, गलत झूठ है ये, जब मैं अपना ही नहीं तो आपको कैसे हो जाऊंगा। जानता हूं मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है, और तो है और मेरी लाश तक मेरी नहीं, तो मैं आपके कैसे हो गया भाई। तो मैं कभी चिट्ठी में आपको नहीं लिखता, गलत लिखना, सब प्रेम लिखता हूँ जी। अंग्रेजी में लिखता हूँ तो योर्स एटसेट्रा लिखता हूँ, सेंसरली भी लिखता, क्योंकि लोग शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते। सेंसरली लिख लिया, ट्यूडी लिख लिया, फेसबुक लिख लिया, सब गलत झूठ बोलते हैं, समझे ना जी। इसलिए मैं जब भी लिखता हूँ जितना कॉन्शियस हूँ तो सजगता जीवन है। नीरज जी, आपने कहीं ये हम तो मस्त फकीर में ही लिखा था कि दुनिया ने जिधर सिरहाना रखा उधर मैंने पैताना रखा। जितना वो है, सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा, मान सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा, बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा, दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही, जो सबका सिरहाना है रे वो अपना पैताना रे, हम तो मस्त फकीर हमारे। तो फकीर की ठोकरे के आगे सब मैं राजशाही भी ठुकराता हूँ। मुझे मैंने लिखा था ना, लोग चले जब राजभवन को, मुझे राजझोंपड़ी आई, दोषी है तो बस इतनी ही दोषी है मेरी तरुणाई, अपनी उम्र घटाकर मैंने हर आंसू की उम्र बढ़ाई, और गुनाह किया है इतना तो बस यही गुनाह किया है, लोग चले जब राजभवन को मुझको याद झोंपड़ी आई। आज भले कुछ भी कह लो तुम, पर कल विश्व कहेगा सारा, नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था। कोई नहीं ऐसे था गीत। नीरज जी, बॉलीवुड आप गए तो, लेकिन आपका मन वहां रमा नहीं। नहीं, क्या हुआ रमा जी, और जी क्या हुआ, सबसे पहले मेरा एक प्रोग्राम हुआ था वहां पर बॉम्बे में, 8 फरवरी को मेरा बर्थडे मनाया, जो सर्टिफिकेट डेट है मेरी, सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट तो 8 फरवरी है, वैसे डेट मेरी 4 जनवरी 1925 है। तो वहाँ गीत नीरज गीत गुंजन के नाम से एक समारोह मनाया गया था, उसमें भाई बच्चा वहाँ जिस बच्ची में थे उन्होंने मुझे 5,000 का पर्स प्रेजेंट किया था, और मैं 2.5 घंटे का पाठ किया था वहाँ। मतलब हरचंद्रा जिन्होंने बरसात की रात बनाई थी, उन्होंने मुझसे कहा भाई अब मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर गीत आप लिखो। मैंने भाई मैं तो बॉम्बे लिखने आ नहीं सकता, आप चाहें तो मेरी कविता ले सकते हो। तो मेरी सारी कविताओं लेकर उन्होंने पिक्चर बनाई थी। तो कारवां गुजर गया, उस समय बहुत लोकप्रिय था वो, मैंने 1954 में लखनऊ रेडियो से पढ़ा था,
ओवरनाइट पॉपुलर हो गया, बहुत लोकप्रिय हुआ सारे देश में ही, पाकिस्तान। अद्भुत रचना है। मैंने जो भी कर्म किया पूरी चेतना से किया है। जब मुझे बुलाया दीवान ने तो उन्होंने कहा कि भाई जाना कब है। मैं क्यों साहब, बोले गैस दीवान से मैंने बात की थी कि नीरज से लिखवाना चाहता हूँ। बोले नीरज कौन, हम नहीं जानता, मैं तुझे लिख पाया नहीं लिख पाया। ठीक है, तो नहीं लिख पाया तो हम तो रिजर्वेशन करवा देता हूँ पहले उसका। 6 दिन छुट्टी लेके मैं गया था तो उन्होंने रिजर्वेशन करवा दिया था। फिर दादा के पास रह गई तो दादा बोले देखो मेरी पिक्चर में जो पहला गीत थे उसमें पहला सब रंगीला नहीं चाहिए। अब सिचुएशन क्या है कि वो खेम करण से एक लड़की जिससे प्रेम होता था दीवान का, वो ढूंढते ढूंढते उसे लंदन पहुंची है। लंदन में उसका सम्मान हुआ है तो दीवान एक स्पाई गर्ल के साथ घूम के पागल में जाकर तो वो देख के एक नफरत थे कि मैं इसके लिए यहाँ तक आई, ये आदमी ऐसा निकला जी। ठीक है, वो झूठ था तो शराब का प्याला लेकर वो गा रही है पागलों की तरह। तो बोले रेमिनिसेंस चाहिए पास्ट के, दुख चाहिए, पीड़ा चाहिए, सितार चाहिए, ये सार चाहिए इस पिक्चर में या गीत में मेरे मैंने। ठीक है, तो रंगीला ने शब्द उन्होंने दिया कि रंगीला प्यारा सब चाहिए जी। उन्होंने कहा रंगीला रे तेरे रंग में यूँ लगा है मेरा मन, रंगीला शब्द कितना जस्टिफाइड हुआ, रंगीला रे तेरे रंग में यूँ लगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन। किसी जल से मतलब शराब की बात हुई, जहर भी है, कहीं भी जाए रे रोए या गाय रे चैन ना पाए रे हिया, अरे वाह रे प्यार वाह रे वाह, सटार भी आ गया, दुख भी आ गया, पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेलिए कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाती, कहीं भी जाए रे रोए या गाय रे चैन ना पाए रे हिया, अरे वाह रे प्यार वाह रे वाह। देव साहब को सुना है जाकर, देव साहब मुग्ध हो गए, जाओ नीरज क्या कहना क्या कहना। फिर एस जीवन के पास ले गए, एक रात भर में पूरा कर लिया मैंने गीत को। तो कहा कि दादा गीत पूरा हो के, बोले रात रात भर पूरा, कल तो मैं दिया था। बोले वो छुट्टी ले गए आया दस जगह दिया, सुना सख सन्नाज बैठे, अरे वाह भाई वाह वाह वाह। फिर उन्होंने जिस साथ में कहा चलिए, तो बोले नहीं बाप जाओ जी ने मेरे पास बैठे नहीं जा, तो मुझे बड़ा प्यार करने लगे। रोज सुबह की गाड़ी आ जाती थी मेरे पास, ले जाती थी बैठ काम किया करते, बड़े सुंदर गीत बनाए। मैं प्रणाम करता हूँ दादा को, दादा जब बढ़िया कोई चीज, उन्होंने जो शब्द लिए जो कोई ले नहीं सकता था, मधुर शब्द लिया, इतना मधुर इतना मधुर, सपनों की गीतांजलि तू, अपने शब्द कहाँ फिल्म में आते हैं। वो बहुत हमको प्यार करते थे, वो चले गए तो मेरा बड़ा दुख हुआ साहब, मैंने भी सुना होगा मेरे लिए चला छोड़ के। नीरज जी एक आज की जो हिंदी कविता है या मैं कहूँ मंचीय हिंदी कविता जो है उसमें भाव सौंदर्य पीड़ा करुणा ये तमाम तत्व तिरोहित हैं और लगता है कहीं चुटकुलेबाजी क्या हो गया। आगे देखिए इस समय की बलिहारी है, मैं सौभाग्य है कि मैंने हिंदी के बड़े से बड़े कवि के सानिध्य में काव्य पाठ किया। मैथिलीशरण जी गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी, गुरबख्श सिंह गुप्त, सुमन जी, बच्चन जी, नंदी रोचर, बड़े बड़े लोगों के सामने किया और उर्दू के भी सबसे बड़े बड़े लोगों के सामने से किया। अभी जालंधरी, जोश, फिराक हैं इन लोगों के साथ में, खान जिगर साहब इन लोगों के साथ, शायर साहब सदा जाफरी लो, वामिक जौनपुरी लो, जो कोई बड़े बड़ा उर्दू का शायर के साथ का पाठ किया, उर्दू के किया। उस समय क्या था कि कविता एक विषय के रूप में थी हिंदी, लोग बुलाते थे बड़े प्रेम से जाते थे सुनते थे, और कवि सम्मेलन हुआ यूनिवर्सिटीज में होते थे, पढ़े लिखे लोगों के सामने होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदलता रहा, समय इस काल चक्र के साथ नहीं चलता। कभी कॉलेज में क्या हुआ कि राजनीति पहुंची, वहाँ जो पार्टी जीतती थी बनाती थी कवि सम्मेलन करवाती थी, दूसरे वोट करवाते थे उसको, तो वहाँ से निकल गए कवि सम्मेलन, पढ़े लिखों के सामने कवि सम्मेलन गायब हो गई। वो कहाँ पहुँचे, प्रदर्शनी पहुँच गए। अब प्रदर्शनी में जब पहुँचे वहाँ भीड़ आती है, रात रात भर कवि सम्मेलन होते हैं, तो जो देखने आते वो कहते यही सो जाए इसमें भंडार में। तो क्या होता है जब भीड़ के पास कविता पहुँचती है तो वो कविता कविता नहीं रहती, भीड़ के पास कविता समझने का मन नहीं होता। पोइट्री इज द एंजॉयमेंट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री। बहुत बढ़िया बात है, पोइट्री इज द एंजॉयमेंट द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ ए कंट्री। हर कविता इसीलिए कहा गया अर्थगेश, जब कवि का जन्म हुआ तो ब्रह्मा से उसने कहा भाई एक काम करना,
मुझे दुख देना स्वीकार है, पीड़ा देना स्वीकार है, बड़े बड़ा कष्ट देना स्वीकार कर, लेकिन एक काम मत करना मैं क्या के सामने कविता पाठ करना मुझे स्वीकार नहीं है। जो कविता न समझता उस सामने कविता पाठ मुझसे करो। तो आज क्या हुआ, आज जो लोग नहीं समझते उनके सामने कविता पाठ होने लगा जी। अब भीड़ होती है तो भीड़ में 100-200 से लोग समझदार आते हैं, बाकी भीड़ भीड़ है तो वहाँ भीड़ को क्या है, चुटकुलेबाजी चाहिए, लुद्दीफेबाजी चाहिए, नौटंकी तक होने के भी सम्मेलन। फिर ठेकेदार पैसा उसमें प्रवेश कर गया तो लोग ठेकेदारी करने लगे। अब ठेकेदार बन गए, सब 7 लाख दे दो मैं कभी समय करवा दूंगा, दो चाहे कभी उन्हें इकट्ठे किए पैसा ले लिया, तो ठेकेदारी चलेगी कभी सम्मेलन में। और साथ साथ जैसे जैसे राजनीति विकृत हुई, धन विकृत हुआ, समाज विकृत हुआ, सब कुछ विकृत है आजकल तो, नैतिकता के रूप से सब हिंदुस्तान बहुत नीचे स्तर पर खड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ क्या हुआ, कभी भी नीचे उतर गया। कभी का धर्म तो ये था कि नीचे जो बैठा आदमी उसके ऊपर उठाओ, लेकिन वो उसकी ताली बटोरने के लिए वो भी नीचे उतर गया। नीरज जी यहाँ पर मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा, जरूरत है एक छोटे से ब्रेक की। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए और फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे गोपाल दास नीरज जी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, हिंदी कविता के प्रखर हस्ताक्षर गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी आपने बहुत लिखा और बहुत सराहे गए, आप जहां गए वहां से राखों पर बैठे गए, लेकिन हालांकि बहुत मुश्किल है ये बताना, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं आपसे जरूर सुनूं, सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब आपका कौन सा गीत है, कौन सी गजल है? आपके सारे बच्चे हैं तो माँ से ये पूछना कि कौन सा बच्चा ज्यादा उसको प्यारा है बहुत कठिन है, फिर भी मुझे लगा कि कोई जो सबसे अच्छा आपको लगता हो, जो बार बार आपकी स्मृति में कौंधता हो, वो एक अपनी आवाज में हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए सुनाई देता हूँ। क्या है, मैं मानता हूँ देखिए, आज आदमी शक्ल में दुनिया घूमी, आदमी मिले, आदमी की शक्ल मिली, इंसान नहीं मिला जी। काश किसी दिन ये मजहब आ जाए संसार में तो मान लूंगा कि मैंने कुछ काम किया। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ, लोग सब कहते हैं प्रेम करता हूँ, संसार प्रेम करता तो घना खास आ गई है। बिल्कुल सही, प्रेम का आडंबर है, प्रेम नहीं करता। हिंदू भी देखा उसके दिमाग में नफरत है, मुसलमान देखा उसके अंदर। आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरा पर्पस क्या है सब गाने के, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, महफिल में दुनिया जी बिल्कुल, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी जलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर,
जिसकी खुशबू से मैं गुट्ठे पड़ोसी का भी घर फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। पाकिस्तान के लिए कहता हूँ, जिस्म दो हो के भी, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों में सजाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अक्षय गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है उदास, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बहुत अद्भुत रचना जी आपके, बहुत अद्भुत रचना है। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने जो मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस चैनल को देखिए, समझिए, जो मैं कहा अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आएगी तो मैं अपना आप बस शुक्रगुजार मानूंगा आपका, क्योंकि जो मैंने बात कही बहुत कम लोग समझते हैं उसको, लेकिन चाहता हूँ समझें। नीरज जी, हमसे बात करने के लिए, समाचार प्लस को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समाचार प्लस का बहुत बहुत आभारी हूँ और कामना करता हूँ समाचार प्लस को लोग इसी प्रकार से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा और आपका मिलन बिछो के लिए होता है जी। आप भी इस प्लेनेट पर आए हैं घूमने घामने के लिए आए हैं, चले जाएंगे, पति पत्नी भी साथ साथ नहीं जा पाते, क्यों सर जी? सब अलग अलग जाते हैं घूमने घामने के लिए आए हैं। हम लोग जस्ट ट्रेन में दो बैठे इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर लोग, तो एक को जाना था लखनऊ, एक को जाना था दिल्ली, ट्रेन लेट होती गई, होटल होती गई, वापस बात करते प्रेम हो गया। जब ट्रेन आई तो एक आदमी उधर चला गया, उधर चला गया, इसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन उधर जाएगी, मेरी ट्रेन उधर जाएगी, तो क्या है मिलन? सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। बहुत बहुत सुंदर बात है जी। तो ये थे हिंदी कविता के अपने समय के सबसे प्रखर हस्ताक्षर गोपाल दास नीरज जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए समाचार प्लस।